हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्टोरेज क्लास में जो पहले टाइप के वेरिएबल होते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल्स की। देखिए, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि तीन चार तरह के स्टोरेज क्लासेस होती हैं, ऑटो हो गया, एक्सटर्न हो गया, रजिस्टर हो गया। तो आज उसमें से हम लोग बात करते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होते हैं। फर्स्ट वी राइट ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। देखिए, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर ऑलवेज डिक्लेयर्ड विद इन ए फंक्शन एंड आर लोकल टू द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। मतलब कि जो ऑटोमेटिक वेरिएबल है वो विद इन ए फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं और ये लोकल रहते हैं जिस फंक्शन में ये डिक्लेयर किए गए हैं। मतलब इनका जो स्कोप है दैट इज कन्फाइंड टू दैट फंक्शन, मतलब वो केवल उस फंक्शन के अंदर ही यूज किए जाते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स डिफाइंड इन डिफरेंट फंक्शंस विल देयरफॉर बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। यानी अलग अलग फंक्शंस में अलग, अगर हमने अलग अलग जो है ऑटोमेटिक वेरिएबल डिफाइंस किए हैं तो उनका आपस में कोई रेलिवेंस नहीं होता और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आप सेम नेम के भी रखेंगे, मान लीजिए, कहने मतलब क्या, मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया F1, ठीक। अब फंक्शन के अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, से आपने कहा ऑटो इंटीजर वेरिएबल ए, ठीक है, और अपने आपने ये फंक्शन बनाया और ये क्लोज कर दिया। फिर दूसरा फंक्शन आपने बनाया F2, इसके अंदर भी आपने ऑटो इंटीजर वेरिएबल ए डिक्लेयर किया और इसका जो भी स्टेटमेंट्स है वो लिख के आपने फंक्शन बंद कर दिया। तो इस ए का और इस ये पहले आप तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए, और दूसरी बात, ये ए विद इन दिस फंक्शन यूज होगा, ये ए विद इन दिस फंक्शन ही होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई सिंटेक्स एरर या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके प्रोग्राम में कि इसका नाम भी ए है और इसका नाम भी है, क्योंकि इस ए का जो स्कोप है या ये फंक्शन, ये ए वेरिएबल जो यूज होगा वो केवल इसी के अंदर यूज होगा। ऐसे ये ए जो है वो इसी के अंदर यूज होगा। तो अगर नेम सेम भी है वेरिएबल के तो भी उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी है, पहली चीज। उसके बाद क्या कह रहा है कि एनी वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन ए फंक्शन, ठीक है, कोई भी वेरिएबल अगर विद इन ए फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है, कोई भी वेरिएबल अगर विद इन ए फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है तो इट इज इंटरप्रेटेड एज एन ऑटोमेटिक वेरिएबल अनलेस ए डिफरेंट स्टोरेज क्लास स्पेसिफिकेशन इज शोन विद इन द डिक्लेरेशन। मतलब मान लीजिए किसी फंक्शन के अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक वेरिएबल ही कंसिडर किया जाएगा जब तक कि उसको कोई इसी और स्टोरेज क्लास के साथ डिक्लेयर ना किया जाए। दिस इंक्लूड्स फॉर्मल आर्गूमेंट डिक्लेरेशन ऑल ऑफ द वेरिएबल्स इन द प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है, विच इज नॉट डिक्लेयर्ड बाई एनी अदर स्टोरेज क्लास इज कंसिडर्ड एज ऑटोमेटिक वेरिएबल। यानी ये जो हमने ऑटो इंटीजर ए लिखा है, इसकी जगह मान लीजिए हमने F1 कोई फंक्शन बनाया और उसके अंदर हमने केवल इंटीजर ए ऐसे भी डिक्लेयर किया हुआ है और जो भी फंक्शन के स्टेटमेंट्स हैं लिख के हमने फंक्शन क्लोज किया है, तो यहाँ पे हमने इसकी स्टोरेज क्लास नहीं डिफाइन की है, तो बाय डिफॉल्ट ये इसको ऑटो ऑटोमेटिक वेरिएबल की तरह ही कंसीडर करेगा, ठीक। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है। अब इसमें क्या होता है कि सिंस द लोकेशन ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इन द प्रोग्राम डिटरमाइन द ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, द कीवर्ड ऑटो इज नॉट रिक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये चीज हमने आपको बताया थी कि अगर आप ऑटो वर्ड यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो भी ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल ही कंसीडर होगा, ठीक है। और हालांकि अगर आप मान लीजिए अगर आप इसको ऑटो के साथ डिफाइन करते हैं तो वो एक अच्छा प्रैक्टिस है, हालांकि उससे कोई हार्म नहीं होना है। तो अगर आप इस तरह डिफाइन करते हैं कि F1 के अंदर आपने ऑटो इंटीजर ए डिफाइन किया है तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। अगर नहीं भी डिफाइन करेंगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट उसको ऑटोमेटिक वेरिएबल की तरह ही कंसिडर करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि जैसे हमने जो पिछले लेक्चर्स में आपको उसका फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था, ठीक है ना, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का प्रोग्राम ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसमें क्या था कि मेन फंक्शन
फंक्शन में जो हमने एन डिफाइन किया था वो ऑटोमेटिक वेरिएबल था, और फैक्टोरियल फंक्शन में जो आई और प्रॉड हमने यूज किया था वो फॉर्मल आर्गुमेंट एन थे, वो भी ऑटोमेटिक वेरिएबल थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप नहीं डिफाइन करेंगे वेरिएबल को ऑटो की तरह तो भी वो ऑटोमेटिक वेरिएबल की तरह ही कंसीडर होगा। अब मान लीजिए उस प्रोग्राम को हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, तो सपोज कीजिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है ना, यहाँ हमने कमेंट लाइन लिख दिया कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एन, कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर क्वांटिटी। ठीक है, अब हमने क्या किया था यहाँ पे इंक्लूड, ये हम हेडर फाइल इंक्लूड, तो इंक्लूड stdio.h, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्ट हो गया, मतलब प्रोसेसिंग से पहले हमने ये चीजें कर दी। अब यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे, तो हमने कहा लॉन्ग इंटीजर, और फंक्शन डिक्लेयर किया हमने फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमने ले लिया इंटीजर एन और इसको क्लोज कर दिया, ये फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया। अब यहाँ से मेन की बॉडी हम शुरू करेंगे मेन, ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल हमने लिया, देखिए वहां पे हमने पिछले प्रोग्राम में इसको केवल इंटीजर एन लिखा था, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑटो इंटीजर एन। ठीक है, अब उसके बाद जैसे हमने कहा प्रिंट एफ, ठीक है, और स्लैश एन करके हमने लिखा एन इक्वल टू, कोट्स क्लोज कर दिया, और यहाँ स्कैन एफ कर देंगे एन की वैल्यू एंटर कराने के लिए, स्कैन एफ परसेंटेज डी, चूंकि ये इंटीजर टाइप है, कोट्स क्लोज एम परसेंट एन, ये एन की वैल्यू एंटर हो गई। अब हमने यहाँ पे प्रिंट एफ किया उसका फैक्टोरियल, तो हमने लिखा प्रिंट एफ एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, प्रिंट एफ स्लैश एन दे दिया हमने नेक्स्ट लाइन के लिए, और एन फैक्टोरियल इक्वल टू, फिर यहाँ हमने लिखा परसेंटेज, अब यहाँ पे हम लॉन्ग, ये लॉन्ग इंटीजर डिफाइन किया है तो यहाँ लिखेंगे एल डी और कोट्स क्लोज्ड कॉमा, और यहाँ हमने फंक्शन कॉल कर लिया फैक्टोरियल, इसके लिए कॉल किया एन के लिए। ठीक है, अब क्या होगा कि प्रोग्राम का कंट्रोल नीचे फंक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया हमने लॉन्ग इंटीजर फैक्टोरियल, और यहाँ हमने लिखा ऑटो इंटीजर एन। ठीक है, और उसके बाद जैसे प्रोग्राम बनाते हैं, फिर अब इसके अंदर हमने डिक्लेयर किया ऑटो इंटीजर आई, फिर ऑटो लॉन्ग इंटीजर, यहाँ हमने यूज किया प्रोडक्शन प्रोड, प्रोडक्ट इक्वल टू हो गया वन, इनिशियलाइज भी कर दिया। अब हमने कहा इफ एन इज ग्रेटर देन वन, अगर एन एक से बड़ा है तो हमने फॉर का लूप चला दिया आई इक्वल टू टू से लेकर और आई इज लेस देन इक्वल टू एन तक, ठीक, और प्लस प्लस आई, और प्रॉड को हमने लिख दिया प्रोडक्ट, इसको हमने बिटवाइज ऑपरेटर यूज किया इंटू आई, ठीक है, यानी प्रॉड इक्वल टू प्रॉड इंटू आई हो गया, और फिर हमने रिटर्न कर दिया प्रोडक्ट में जो वैल्यू आई प्रॉड को। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक, अब इसमें देखिए हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर में जो हमने बताया था जब फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था तो हमने ये ऑटो वर्ड नहीं यूज किया था, लेकिन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो अगर नहीं यूज करेंगे तो बाई डिफॉल्ट भी ये ऑटो ही लेगा। अब इसमें क्या है, चाहे आप उस तरह प्रोग्राम बनाइए और चाहे इस तरह, दोनों ही प्रोग्राम इक्वली करेक्ट हैं, दोनों ही प्रोग्राम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करके दे देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यानी दोनों ही मेथड एक्सेप्टेबल है, लेकिन एज ए रूल क्या है कि द ऑटो डिजिग्नेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन वेरिएबल और फॉर्मल आर्गुमेंट डिक्लेरेशन सिंस दिस इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास। ठीक है, इसलिए हमने पिछले प्रोग्राम में इसको नहीं इंक्लूड किया था ऑटो को। अब इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक वेरिएबल्स कैन बी असाइंड इनिशियल वैल्यूज
बाय इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस विद इन द वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम ही आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है, और उन वैल्यूज को, सच वैल्यूज विल बी रीअसाइंड ईच टाइम द फंक्शन इज रीएंटर्ड। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने वन डिक्लेयर किया, तो जब भी फिर यहाँ पे प्रॉड कुछ और हो गया, फिर रिटर्न किया तो फंक्शन से बाहर चले गए, फिर जब आप अंदर आएंगे तो फिर से ये प्रॉड को वन ही कर देगा, ठीक। अब इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि एन ऑटोमेटिक वेरिएबल डज नॉट रिटेन इट्स वैल्यू वंस कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड आउट ऑफ इट्स डिफाइनिंग फंक्शन। मतलब जो ऑटोमेटिक वेरिएबल है वो अपनी वैल्यू को रिटेन नहीं करता है। जैसे यहाँ पे प्रॉड क्या था, वन था, कैलकुलेट होने पे कुछ और आ गया, लेकिन जब एक बार आप बाहर चले गए फंक्शन से, फिर आप लौट के आए, तो पुरानी वैल्यू रिटेन नहीं रहेगी इसके साथ। तो देयरफॉर एनी वैल्यू असाइन टू एन ऑटोमेटिक वेरिएबल विद इन ए फंक्शन विल बी लॉस्ट वंस द फंक्शन इज एग्जिटेड। एक बार आप फंक्शन से बाहर चले जाएंगे तो जो पुरानी वैल्यू है किसी भी ऑटो वेरिएबल में वो रिटेन नहीं रहेगी। अब अगर मान लीजिए आपको इसकी जरूरत है, इफ द प्रोग्राम लॉजिक रिक्वायर्स दैट एन ऑटोमेटिक वेरिएबल बी असाइंड ए पर्टिकुलर वैल्यू ईच टाइम द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। मतलब आप ये चाहते हो कि इसे, जैसे ये जो प्रॉड है इसमें जब भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो तब वन असाइन हो जाए, तो दैट वैल्यू हैव टू बी रीसेट व्हेन एवर द फंक्शन इज रीएंटर्ड। तो इसको करने के लिए आपको, जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि ये वाली लाइन, आपको हमेशा उसको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है वेरिएबल्स के लिए। अगर कोई कंफ्यूजन है और कोई डाउट है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।